बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको सिविल डिफेंस फोर्स की न्यू जॉब्स के बारे में बताऊंगा। महकमे सिविल डिफेंस की तरफ से पूरे पाकिस्तान के लिए शानदार जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। इन जॉब्स के लिए आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके लिए डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। आप इस जॉब की फुल इन्फॉर्मेशन रीड करने के लिए और इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए गूगल पे आएंगे और गूगल पे आप सर्च करेंगे smartjobs.pk के लिए गूगल पे एंटर करेंगे ताकि आपको यहाँ पे गूगल पे शो हो जाए www.smartjobs.pk। आप इस वेबसाइट को यहाँ से ओपन कर लेंगे, टॉप पे ही ये आपको शो हो जाएगी। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, आपने यहाँ पे आर्मी जॉब्स, पुलिस जॉब्स या फिर आप गवर्नमेंट जॉब्स को चूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब को चूज़ करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक पोस्ट आपने यहाँ पे सर्च करनी है, सिविल डिफेंस जॉब्स अप्लाई ऑनलाइन। आप सिंपली इस पोस्ट को ओपन कर लेंगे। सिविल डिफेंस की ये जॉब्स हैं, इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप इस जो सिविल डिफेंस वाली जॉब वाली पोस्ट है इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई गई है। सबसे पहले तो ये बता दूँ, इसके लिए पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं, सिंध रूरल, सिंध अर्बन, फाटा, आज़ाद जम्मू कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान वाले। उसके बाद यानी कि पूरे पाकिस्तान से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट की, जिसके लिए ग्रेजुएशन एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद जूनियर इंस्ट्रक्टर की है, जिसके लिए ग्रेजुएशन और साथ में एज लिमिट और उसके लिए मुतलका कोई भी जो एक्सपीरियंस वगैरह है, मतलब कि टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, आपको MS वर्ड या MS ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर हैं वो चलाने आते हों। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब्स हैं, जिसके लिए पे स्केल 14 है, इंटरमीडिएट एजुकेशन है और इसके लिए 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। लो डिजन क्लर्क है, जिसके लिए आपके पास टाइपिंग स्पीड और आपको MS ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए और उसके बाद आप इसके लिए एजुकेशन जो है मैट्रिक रिक्वायर है। इसी तरह सिनेमा ऑपरेटर है, ड्रिल इंस्ट्रक्टर है, बॉम्ब डिस्पोजल टेक्नीशियन है, ड्राइवर है, डिस्पैच राइडर है, काफ़ी सारी यहाँ पर पोस्ट मौजूद हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे इसका ऑफिशियल एड कंप्लीट यहाँ पे मौजूद है, जिसमें आप इसकी फुल डिटेल जो है वो रीड कर सकते हैं। अभी हम अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सिविल डिफेंस की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर अकाउंट, यहाँ पर मतलब सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले अपना CNS नंबर दे के हम यहाँ पर इसमें अपना जो अकाउंट है वो हम क्रिएट कर लेंगे। पहले एक पासवर्ड लिखेंगे, उस पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, आई एग्री, तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और एक ये कैप्चा फिल करेंगे और रजिस्टर के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुकम्मल जो हमारा यहाँ पे अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पे इसमें साइन इन करेंगे। साइन इन करने के लिए साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करें, जो आपने अपना CNSE नंबर दिया है बिल्कुल करेक्ट वही लिखना है और जो पासवर्ड आपने रखा था वही आपने यहाँ पे पुट करना है और साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे पोस्ट शो हो गई हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ लोअर डिजन क्लर्क या स्टेनो के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो स्टेनो को चूज़ करूँगा और उसके बाद अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, ये तमाम इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे। एजुकेशन के बारे में अपना बताएंगे, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे और सबमिट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर कोई एरर होगा तो आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। आपको तमाम चीज़ें फिल करनी है और तमाम चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी हैं, कोई भी इसमें ऑप्शनल चीज़ नहीं मौजूद। तो आप इसको कम्प्लीट फिल करने के बाद ही इसमें सबमिट करिएगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।